Hello guys, I'm senior Poonam Madgujar, senior chemistry faculty in Vidyanandar classes. Today we are going to cover the physical and the chemical changes lecture, revision lecture 1. So here we are starting with. Okay. तो यहाँ पे बेटा हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है आज का वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आपको पता है कि क्या होता है, दिस इज जस्ट इन रिवीजन लेक्चर्स, तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या काम है, आपको सबसे पहले अपने जो डायग्राम दे रखा है वहां पे डायग्राम में देखना है व्हाट द डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग यू, इज दैट अ फिजिकल चेंज, इज दैट अ केमिकल चेंज, आपको डिस्टिंग्विश करना है। इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहली बात, इस पूरे चैप्टर में मुझे डिस्कस करना है व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस, व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स मैं कह सकती हूँ, एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट इज बेसिकली देयर करेक्टरिस्टिक्स, अगर मुझे उसकी पता होगी तो मैं पता कर सकती हूँ कि वो चेंजेस होंगे कैसे, राइट, एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, इसी में मुझे नेक्स्ट क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व द कॉमनली अकरिंग केमिकल चेंजेस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस को मुझे देखने हैं। नेक्स्ट वी हैव their examples, हमें उनके examples को भी discuss करना है, right? तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कि what do you mean by physical changes and what do you mean by chemical changes? तो सबसे पहले मैं discuss करती हूँ कि chemical changes physical changes होता क्या, तो हम लोग पहले physical पे focus कर लेते हैं एंड फिर हम लोग फिजिकल एंड केमिकल दोनों पे फोकस कर लेंगे। तो फिजिकल चेंजेस की हम लोग बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहली बात, फिजिकल चेंज का मतलब होता क्या है, तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से देखते हैं, राइट। फिजिकल चेंज का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेसिकली कि फिजिकल फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना इज नोन एज द फिजिकल चेंजेस। अब तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, दिस इज शेप, यू कैन से साइज and mass, you can say color or state का कहने का मतलब है कि solid हो सकता है कोई चीज liquid भी हो सकती है, solid का liquid में change होना, liquid का gas में change होना, these are also known as the state। तो basically physical properties में change आना is known as the physical changes। अब हाउ विल यू से दैट, सबसे पहली बात हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर, मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करती हूँ, राइट। बॉइलिंग ऑफ वाटर में होता क्या है बेटा, कि वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज गेट्स कन्वर्टेड इंटू gets converted into
वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फॉर्म में। तो मतलब कोई नई चीज तो नहीं बन रही है, पानी तो पानी ही रहा है, राइट? वाटर का फॉर्मूला यू नो दैट कि यहाँ पे बेटा वाटर जो है वो लिक्विड में है और वो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे वाटर तो वाटर ही है, दैट इज द फिजिकल चेंज। यहाँ पे कोई भी नई चीज नहीं बनी है। मैं यहाँ पे ये चीज कंफर्म कर सकती हूँ कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बना है। दिस इज नोन एज द फिजिकल चेंज, राइट? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस में देख लो, मेल्ट में आइस है, वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैक्स टू मैक्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सकती हूँ चेंज इन स्टेट, कोई भी नई ये चीज आपको याद रख, वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो, आइस से बेटा मैं गैस से मैं दोबारा लिक्विड में आ, is emitted in form heat and light, कोई भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं होती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, मतलब हीट और लाइट की फॉर्म में सॉरी कोई भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं होती है, राइट? और यहाँ पे बेटा क्या अगर कोई नया चीज नहीं बन रहा है तो क्या वो मॉलिक्यूल चेंज होगा?
आइडेंटिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज होगी क्या? वाटर था, अब देखो वाटर का फॉर्मूला, यहाँ पे भी वाटर H2O है, यहाँ पे भी वाटर H2O है, यहाँ पे भी वाटर H2O है, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, राइट? वाटर तो वाटर ही रहा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो सेम ही है बेटा। अगर मैं एग्जांपल वाटर का ले रही हूँ तो वहां पे वाटर वाटर ही रहा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, नो चेंज इन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ओनली फिजिकल में जाना लिक्विड से, देखो सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से दोबारा लिक्विड में आना, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आना, दैट इज द चेंज इन द स्टेट। अब इसे साइंटिफिकली लिखते कैसे हैं, वो ऐसे लिखते हैं, दिस विल गो ओवर हेयर एंड दिस विल गो ओवर हेयर एंड दिस कैन बी कम बैक ओवर हेयर एंड दिस ऑल्सो कैन बी कम बैक ओवर हेयर, राइट? सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में आना, लिक्विड से सॉलिड में आना, राइट? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको, आप क्या करना है, और जितने भी एग्जाम्पल है आपको सोचने हैं और सारे लिखने हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रोसेसेस की, केमिकल चेंजेस यू कैन से। केमिकल चेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो केमिकल चेंज का इतना तो पक्का है कि वहां पे अगर कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रहा था तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा, राइट? दूसरी चीज, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे बेटा केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पे नए सब्सटेंस बनते हैं। अब नए सब्सटेंस बनते हैं ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, देखते हैं। जैसे देख लो कुकिंग ऑफ फूड, राइट? एग्जाम्पल मैं लेके कई सारे तुम्हें दिखा देती हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को भी उसमें से कई सारे देख लो। कुकिंग ऑफ फूड की बात करता है, कुकिंग ऑफ फूड में अगर मैं बात करूँ, कुकिंग ऑफ फूड की बात करता है, कुकिंग ऑफ फूड में अगर मैं बात करूँ तो फूड का बनना, जैसे कि मान लो यू हैव टू कुक द एग, एग को आपको क्या करना है बेटा, कुक करना है। तो एग पहले कैसे था, लिक्विड फॉर्म में था, इन द शेल। अब जब उसे कुक करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो क्या वो हार्ड एग का, अगर तुमने मान लो एग को तुमने बॉईल कर दिया, एग को बॉईल करने पे वो कैसा हो, एग को क्या एग में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये चीज तो हो गई कि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन चुका है, वो बॉइल होके एक नई चीज बन चुकी है, वो नई चीज दोबारा तुम्हारे लिक्विड एग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कुकिंग ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। दूसरा, अगर मैं यही पे बात करूं तो बेकिंग ऑफ केक, मैं बेकिंग ऑफ
भी है। तुम अभी थो अब ठंड आ चुकी है राइट, अब तुम वुड्स को बर्न करना शुरू हो गए। ये क्या है, वुड को बर्न कर रहे हो, वुड को बर्न कर रहे हो। अब ठंड आ चुकी है, लकड़ियां जलाओगे तो लकड़ियों से तुम लोग हाथ सेकोगे, उन लकड़ी में से जो हीट आ रही है उससे हाथ सेकोगे, तो दैट इज बेसिकली यूज्ड एज अ हीट एनर्जी। एंड वॉट एवर बी द लाइट इज कमिंग, दिस इज द लाइट एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है केमिकल चेंज के अंदर राइट। यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कोई भी रिएक्शन कि उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे मैंने वहां पे बोला था कि स्टेट चेंज होगा राइट, तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेंज होगा। तो यहाँ पे एक चीज है, या तो उस पर्टिकुलर थिंग में कलर का चेंज आ रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा, या तो फिर मैं कह सकती हूँ वहां पे कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, पोल्यूशन ऑफ गैस, या तो मैं यहाँ या तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि स्मेल में कोई चेंज आ रही होगी, स्मेल चेंज, दैट इज बेसिकली द ऑर्डर, यू कैन से कि ऑर्डर में कोई चेंज आ रहा होगा। तो इन सब चीजों से मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, या तो केमिकल चेंज हो रहा होगा, या तो कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। अब प्रेसिपिटेट तुम पहली बार नाम सुन रहे हो, तो मैं प्रेसिपिटेट आई थिंक तुम्हें वाटर चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रेसिपिटेट बेटा इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब होता क्या है वो समझने की कोशिश करो। इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो सॉलिड इनसॉल्युबल, मतलब कि कुछ भी चीज रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मैंने सोप को वाटर में डाला था राइट, तो स्कम फॉर्मेशन आ रही थी राइट, दैट इज इनसॉल्युबल सॉलिड, दैट इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेट। तो वही चीज का ज्ञान मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है राइट। अब बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस में। फिजिकल चेंज एंड यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ केमिकल चेंज राइट। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज में मैं बात करती हूँ, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड फर्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड
कुकिंग ऑफ फूड। जहां पे पेपर तो पेपर ही रहेगा ना। आई थिंक दिस थिंग अप टू दिस थिंग यू विल यू अंडरस्टूड आई थिंक राइट। तो हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखनी है कि एनर्जी कहीं पे रिलीज हो रही है, कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट की बात करते हैं। अगर किसी भी मैं रिएक्शंस की बात करती हूँ, केमिकल रिएक्शंस तो आपको पता ही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी गेन होती है तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है, को बोला जाता है द रिया। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दो टाइप से रिएक्शन को मैं डिफाइन करूंगी, रिएक्शंस को मैं टू टाइप से डिफाइन करूंगी। क्या क्या है वो देख लेते हैं, राइट। एक में तो या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, या तो एनर्जी गेन हो रही, रिलीज हो रही होगी, या तो गेन हो, तो हम लोग डिस्कस। है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, थर्मिक। ये जो थर्मिक वर्ड है ना, दस थर्मिक वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, मतलब कि हीट एनर्जी एक्सचेंज होना। अगर एनर्जी, हीट एनर्जी लेना तो एंडोथर्मिक है, हीट को रिलीज करना इज नोन एज एक्सोथर्मिक है। दो वर्ड है बेटा, एक तो है एंडो, दूसरा वर्ड क्या है बेटा, एक्सो। तो हम लोग जरा रिएक्शंस देख ही लेते हैं, कौन सी रिएक्शंस है जिसमें हीट एनर्जी तुम्हें लगता है कि गेन होती है। तुम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है फोटोसिंथेसिस वाली, फोटोसिंथेसिस। ये हो
इनडायरेक्टली कहाँ से आया, प्लांट्स में से ही आया है, राइट? तो वो चीज मैंने खाई, मैंने एनर्जी जो है वो मेरी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वीडियो बनाने में। अब तुम लोग इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें वो एनर्जी आएगी कैसे? अगर तुम मान लो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम वीडियो नहीं देख पाओगे। एनर्जी है जब ही तो देख पा रहे हो। कैसे आई? तुम लोगों ने वो ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन तुम कंटिन्यूस इनहेल कर रहे हो। अब उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज से एनर्जी का बनना वो रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अपने आप में मतलब है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब है बनाना, खाना बनाना लाइट की प्रेजेंस में। अब वो लाइट क्या है बेटा? वो सनलाइट है जो कि एनर्जी ने प्लांट्स को दे रही है खाना बनाने में। समझ आ गया? नेक्स्ट थिंग मुझे जो एक्सप्लेन यहाँ पे करना है वो चीज है बेटा, इवोल्यूशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। देखो अब एक एक जो पॉइंट है ना, हम लोगों ने उधर केमिकल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, वो चीजें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस में सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, देखो तुम्हें इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस में जो सबसे बेस्ट बताती हूँ, तुम्हें क्या करना है बेटा? विनेगर, तुम्हें सबको पता है विनेगर क्या होता है? विनेगर ले लाए, विनेगर में क्या करना है? बेकिंग सोडा ऐड करना है। विनेगर में क्या ऐड करना है बेटा? बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा तुम्हें पता है क्या होता है चाइनीज मटेरियल को बनाने में? तो क्या होगा बेटा, कुछ नए न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस के साथ तुम देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज होगी। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है यही तो मुझे पढ़ना ऑफ गैस, राइट? समझ रहे हो तुम? थ्रू पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल एंड द मैटर एंड द केमिकल फॉर्मूला में। ये सारे फॉर्मूला मेकिंग एंड एवरीथिंग वी हैव डन दिस थिंग वेरी वेल, राइट? तो ये चीजें मुझे बाहर से पता चलेगी। तो जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास, देन लाइम वाटर टर्न्स को, जब मैं कैल्शियम कलरलेस होता है, ये चीज जो होती है कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। CO2 तुम्हें पता है विजिबल नहीं होती है, तो ये भी तुम्हारी कलरलेस है। अगर दो CO2 को इसके अंदर डालोगे लाइम वाटर के अंदर में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेटा वो मिल्की होती है, दैट इज बेसिकली प्लस में वाटर विल गेट फॉर्मड। अगर अब यही पे तुम्हें ये गैस समझ आ गया, गैस रिलीज हो गई, एक तो वो समझ आ गया, तुम्हें एक और चीज समझ आ गई कि CO2 को मैं टेस्ट कैसे करूं। तो CO2 का टेस्ट क्या है बेटा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर होता क्या है ये भी तुम्हें पता चल गया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। और सबसे बेसिक आपको ये पता ही है, ये वाटर है और ये क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है।
अब देखो, चेंज इन कलर की बात करते हैं, चेंज इन कलर की बात करते हैं, ठीक है? कलर कहाँ पे चेंज हो रहा है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। चेंज इन कलर में मैं बात करती हूँ, यू नो दैट कि कॉपर सल्फेट है। मैंने क्या किया बेटा, कॉपर सल्फेट तुम्हें सबको पता है क्या होता है, एक कंपाउंड है। उसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, आयरन नेल डाली। अब कलर चेंज दिखाना है ना, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। अलग यहाँ पे क्या हो जाएगा पता हो तो, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, राइट? और जो आयरन सल्फेट का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो कलर में चेंज आना इज आल्सो नोन एज अ चेंज इन कलर इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, राइट? अब देखो तुम लोगों को कॉपर सल्फेट का भी मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस आयरन होती है Fe, तो बनेगा क्या बेटा, FeSO4 प्लस में कॉपर। तो इसका कलर हो गया बेटा ब्लू, इसका कलर तुम्हें पता है ग्रीन, और कॉपर मेटल तुम्हें पता है कैसा होता है, ब्राउन रेड, ब्राउनिश रेड। तो देखो ना, ब्लू कलर से कोई चीज ब्राउनिश रेड एंड ग्रीन में चेंज होगी, दैट इज बेसिकली कलर चेंज, राइट? चेंज इन द कलर में आएगा। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। राइट? अब प्रेसिपिटेट का बनना, ये चीज मुझे देखनी है कि हाउ द प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे सिंपल जो तुम्हारे बुक्स में दे रखा है वो है हाइड्रो सल्फाइड के अंदर मैं क्या डालूंगी बेटा, जिंक क्लोराइड डालूंगी। सल्फाइड बनेगा, प्लस में रिएक्शन एग्जांपल याद भी किया होगा, सोप को क्या करो बेटा, वाटर में यहाँ पे तुम्हें पता स्कम बन जाता है, राइट? स्कम देखा होगा ना, बाथरूम में नहाते वक्त वो व्हाइट कलर का पाउडर टाइप बन जाता है, तो दैट इज नोन एज अ स्कम। तो ये स्कम भी क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट ही तो है, ये भी तो प्रेसिपिटेट है, राइट? तो यहाँ पे मुझे प्रेसिपिटेट के एग्जाम्पल करने थे, हम लोगों ने कर दिए, राइट? और ऐसी कुछ रिएक्शंस अभी भी है जिनमें क्या होता है बेटा, कलर चेंज। मैं स्मेल एंड ये देख लेती हूँ। देखो ऐसी कुछ रिएक्शन है जिसमें अब मैं चेंज इन लाइट, साउंड एंड स्मेल को करेक्टरिस्टिक्स कर सकती हूँ। जैसे तुमने एग्जांपल सुना होगा क्रैकर्स,
क्रैकर्स क्या होते हैं बेटा? जब क्रैकर्स नॉर्मली तुम्हारे घर में नॉर्मल से आते हैं, व्हेन दे विल ब्लास्ट, तो वो चीज क्या करते हैं? एक तो पहली चीज, वो रॉकेट्स नहीं होते हैं जिसमें कि देखो लाइट भी तुम्हें दिखाई देती है, जब वो फूटता है तो तुम्हें साउंड भी सुनाई देता है, और क्रैकर्स के बर्ने पे एक स्मेल आती है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स पे, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स पे यू विल स्मेल समथिंग, राइट? स्मेल भी आती है, साउंड तो उसके ब्लास्ट होने पे आता है, लाइट तुम्हें दिखता है कि उसमें से लाइट निकल रही है, राइट? लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, स्मेल, तीनों चीजें उसके अंदर है। अब ना कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं जिसमें कि तुम्हें कि वो चीजें केमिकल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सम कॉमन केमिकल चेंजेस, तो कॉमन केमिकल चेंजेस हम लोग डेली लाइफ में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कॉमन केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, राइट? सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास रस्टिंग। तो रस्टिंग होती क्या है? तो रस्टिंग तुम्हें पता है कि मेटल, तुमने देखा होगा आयरन मेटल है, जो कि बेटा एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आके ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है उसके ऊपर, रस्टिंग। यहाँ पे रस्टिंग को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन आयरन आयरन मटेरियल और हो सकता है मटेरियल कम इन एयर एंड रेडिश ब्राउन कलर, तुमने देखा भी होगा ना दरवाजे की कुंडी में ये हो जाता है, या फिर तुम देखो किसी आयरन नेल पे लोहे की कील अगर देखो तो वहां पे यू विल फाइंड कि रेडिश ब्राउन कलर का दैट कोटिंग इज देयर। व्हाट इज दैट रेडिश ब्राउन कोटिंग? रेडिश ब्राउन कोटिंग इज नथिंग बट द रस्ट, राइट? दैट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज वो मेटल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। सो देन कलर कोटिंग अकर, कोट अकर्स, दिस इज नोन एज द रस्टिंग। व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर देन द रेड कलर ऑन दैट मटेरियल दैट इज नथिंग बट वो जो रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ रही है ना उसके ऊपर, वही रस्ट है। तो रस्ट है क्या? कि आयरन जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, और किसके कांटेक्ट में आ रहा है बेटा? वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है? रस्ट। इस रस्ट का कलर क्या है बेटा? रेडिश ब्राउन। राइट? अब इसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? रस्टिंग होना किसी भी चीज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सॉरी, दिस इज हाउ टू प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग। अब मुझे क्या करना है? प्रिवेंशन। अब रस्टिंग को रोकने के लिए तुम्हें कई सारे प्रोसेसेस मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहला काम, तो तुम्हें सोचो दिमाग से कि रस्टिंग को कैसे हम लोग रोकते हैं। कभी कभी देखा होगा समबडी इज डूइंग पेंटिंग ऑन द आयरन आर्टिकल, तो पेंटिंग से मैं रोक सकती हूँ। दूसरा, सेकंड, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड द पोज द वीडियो एंड थिंक बेटा। मैं कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ? तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, बाय ऑयलिंग। ऑयलिंग अगर तुम्हारे मन में आ रहा होगा तो ये तुमने देखा होगा, तुम्हारी साइकिल की चेन में यू विल फाइंड आउट दैट पर्सन विल ड्रॉप सम ब्लैक कलर लिक्विड। दैट ब्लैक कलर लिक्विड इज नथिंग बट द ऑयलिंग कर रहा है वो साइकिल की चेन ना हो, राइट? थर्ड प्रोसेस है बेटा, थर्ड इज योर गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मैंने तुम्हें बताया था, जिंक कोट ऑन आयरन, जिंक कोटिंग ऑन आयरन। तो ये चीज, जिंक की कोटिंग, जिंक का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है Zn, और आयरन का शॉर्ट फॉर्म है बेटा Fe, राइट? तो यहाँ पे देखो, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए अभी तक मैंने तीन चीजें की, ऑयलिंग, पेंटिंग एंड गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन पूछा जाता है, तो गैल्वनाइजेशन मैंने आपको बता दिया। गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जिंक कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल। फोर्थ,
बना के, जैसे आयरन ऐड कर दिया, तो ये चीज क्या बन गई है, स्टील। स्टील इज एन अलॉय जिसमें रस्ट नहीं लगता। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा रस्ट नहीं लगता? तो यू विल फाइंड द यूटेंसिल्स एट योर होम, तो वो स्टील के कई सारे यूटेंसिल्स तुम्हें अपने घर में मिल जाएंगे। वो तो स्टेनलेस स्टील के, आयरन में थोड़ा, राइट? तो ये चीज क्या बन जाएगी बेटा, स्टेनलेस स्टील तुम्हारे पास में यूटेंसिल पे। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, यूटेंसिल्स होंगे तुम्हारे घरों पे जिसके ये बने हुए हैं, दैट इज नोन एज द अलॉयिंग। अलॉयिंग में क्या करा जाता है बेटा, एक मेटल में नॉन मेटल या फिर मेटल का ऐड किया जाता है, दिस इज नोन एज द अलॉयिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये सारी चीज मैं किसके लिए कर रही हूँ, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अलॉयिंग दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एक मेटल के अंदर में एक नॉन मेटल या फिर मेटल ही ऐड करते हैं। अ मेटल कैन बी एडेड विद अ मेटल और इट कैन बी नॉन मेटल टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द अलॉय, राइट? अब तुम कहोगे क्या सिर्फ रस्टिंग आयरन में, आयरन आर्टिकल में ही होती है? मैं कहूंगी नहीं बेटा, सिर्फ आयरन आर्टिकल में रस्टिंग नहीं होती है, फूड में भी कभी कभी ब्राउन हो जाते हैं। तो ब्राउनिंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जाती है, जैसे एप्पल लिया, कट किया इनटू पीसेस, तो तुम थोड़ी देर बाद, वेट करो थोड़ी देर, 5 to 10 minutes, वो ब्राउन कलर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाएगी। ब्राउन कलर कोट, एक कोटिंग हो जाएगी ब्राउन कलर की, तो तुम क्या कहते हो कि ये एप्पल खराब हो गया? नहीं, तुम फिर भी खा लेते हो। तो व्हाट इज दैट, एप्पल तो तुमने काटा था जब तो व्हाइटिश था, जैसे थोड़ी देर रख दिया काटने के बाद तो वो ब्राउन हो गया, तो व्हाट इज दैट ब्राउन सब्सटेंस, और ऐसा क्या हुआ? तो वो बेसिकली रस्टिंग ही है, वो फूड पे हो रही है। अब यहां पे बेटा जो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है ना, जैसे ही मैंने एप्पल को कट किया, तो इसके एंजाइम्स जो होते हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करता है। ये क्या करेगा, कट करने पे, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग एंजाइम इज रिलीज्ड, एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, आफ्टर कटिंग रिलीज एंजाइम। अब वो जो एंजाइम होता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसे हम कहा जाता है फिनोलिक ग्रुप, जिसके कारण ये सारा हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, फिनोलिक कंपाउंड होता है। अभी मुझे ये नहीं जानना है ये क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए फिनोलिक कंपाउंड बनता है जिसके कारण वो ब्राउन हो जाता है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, राइट? अब यहाँ पे बेटा आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या करोगे, वो सब्सटेंस लिया उसे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज अ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे ना सिर्फ आपको एक टॉपिक रीड आउट करना है, व्हाई सी वाटर इज सॉल्टी। आपको ये चीज अपने बुक में से क्या करनी है बेटा, रीड आउट करनी है और इसके नोट्स बनाने हैं। कुछ काम तुम भी तो करोगे भाई, रिवीजन चल रहा है ना ये, तो सारे का सारे तो मैं ही करा रही हूँ, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फिर से नोट्स बना लोगे तो तुम लोग रीड आउट ही नहीं करोगे, राइट? तो आपको क्या करना है, व्हाई द सी वाटर इज सॉल्टी, आपको इसका रीजन लिख के लाना है। मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करती हूँ, सी वाटर इज सॉल्टी व्हाई, बिकॉज सी वाटर, बिफोर द वाटर एंटरिंग इन टू सी, इट इज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, और यू कैन से कि इट इज कमिंग फ्रॉम द हिमालय, हिमालय भी तो है माउंटेन ही है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द सो मेनी माउंटेन्स एंड सो मेनी प्लेसेस दैट इट विल कीप कमिंग, राइट? सो वॉट एवर बी द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द माउंटेन्स विल सोल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर वॉटर
एंड कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग एंड कलेक्टेड इन द सी, एंड द सी से द वॉटर इज नॉट गोइंग एनी वेयर, तो वहां पे जा जाके वो थोड़ा थोड़ा सॉल्ट माइन्यूट क्वांटिटी में दैट सॉल्ट विल गेट कलेक्टेड ओवर देयर. धीरे धीरे ये बहुत सालों तक हुआ, बहुत सालों क्या, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये हुआ, या फिर कुछ भी ईयर्स आप ले लो जिसमें बहुत सारे साल, कम से कम 100 साल लगे होंगे, वो सारा सॉल्ट जो रॉक एंड सॉल्ट्स में से आ रहा है वो इस पानी में डिजोल्व होते हुए इसके साथ आता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है एक जगह. इतना सारा जमा हो गया कि वो एक जगह जाके कंसंट्रेटेड हो गया. दैट्स व्हाई द सी वाटर इज सॉल्टी, राइट. हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की. नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन नाउ, राइट. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, राइट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से इसे पहले भी कर चुका है, अभी करा रही हूं साथ में तुम्हें समझा पाऊं. पहली रिएक्शन की बात करते हैं. पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि मुझे डिस्कस कौन कौन सी करनी है वो पहले मैं बता देती हूं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस ही है, राइट. डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज माय डिस्प्लेसमेंट. Fourth is double displacement. Double displacement है. You have रिएक्शंस बेटा मुझे यहाँ पे पूरे चैप्टर में ओके. पहली एक रिएक्शन तुम्हारे साथ मैं एक्सप्लेन कर, रिएक्शन क्या है बेटा, आई हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूँ, मेरे ऑडियो पे बहुत ज्यादा ध्यान दो. ऑडियो पे कह रही हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, ओके नो नो सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि टू और मोर, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस में टू और मोर, मैं इसको ना डिवाइड कर देती हूँ बोर्ड में, सो दैट कि मेरा बहुत सारा काम इसी में आ जाए, क्लियर हो जाती है ना चीजें. टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टुगेदर and form single product is known as the combination reaction. Two or more reactants combined together to form a single product is known as a combination reaction. बहुत ध्यान से समझो मैं कहना चाह रही हूँ कि दो या दो से अधिक reactant, मतलब ये ए बी हो सकता है, ये बी बी हो सकता है, ये सी बी हो सकता है, कुछ भी रिएक्टेंट हो सकता है, वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिर्फ एक ही. ये वाली साइड्स को कहा जाता है रिएक्टेंट, ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, नहीं पता है तो भी मैं बता रही हूँ. ये वाली साइड को कहा जाता है प्रोडक्ट साइड,
तो इसे कहा जाता है रिएक्टेंट साइड, एरो के इस तरफ वाली, एरो के उस तरफ वाली में प्रोडक्ट साइड। अब एरो के इस तरफ मतलब एरो का जो फेस है वो ये है, अगर एरो का ये जो है एरो, एरो का ये वाला जो एंड है उसके इस तरफ वाली चीजें प्रोडक्ट है, और उसके ये जो टेल साइड है उसके इधर वाली चीज है रिएक्टेंट साइड है। एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है राइट। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू H2O है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे टू लगा दो, यहाँ पे टू लगा दो, तो देखो ना दो दो लोग हैं, दो से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बस मेरा काम हो गया यहीं पे खत्म राइट। तो मुझे यही तो करना था कि कैसे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैंने दिखा दिया टू, यहाँ पे टू से अधिक लोग हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बना तो रहे हैं बेटा, सिर्फ पानी बना रहा है, सिर्फ CO2 बना रहा है। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, टू और मोर, यहाँ पे देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, सिंगल सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब है टूटना, डीकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो देखो जस्ट उल्टा नहीं है दोनों एक दूसरे का, यहाँ पे एक ही चीज क्या बनाएगी बेटा, पी बना सकती है, क्यू बना सकती है, और कुछ भी बना सकती है। जैसे कि तुम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मैं एग्जाम्पल तुम्हारे साथ में दिखाने की कोशिश करती हूँ इसका। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अभी कैल्शियम कार्बोनेट ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये सिंगल है ना, सिंगल टूट गया। देखो पानी ले लेते हैं ना बेटा, पानी को तोड़ दो ना, पानी सिंगल सिर्फ वाटर है, वाटर को तोड़ दो H2 में, बैलेंस करने के बाद 2H2 आ जाएगा, बैलेंसिंग में 2 2 आएगा, वैसे तो सिंगल वाटर था, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया था राइट। तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, दो से दो या दो से अधिक में टूट जाना, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो तीन रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना दे। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या, वन रिएक्टेंट, मेरे ख्याल मोर रिएक्टिव में, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करने का है, तो वही डेफिनेशन है, तो मैं वही लिखवा देती हूँ। देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉपर सल्फेट की रिएक्शन दिखाई थी तुम्हें जिंक के साथ में राइट, तो जिंक जो है यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा प्लस में कॉपर बना देगा। तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, और वो खुद उसकी जगह आके बैठ गया राइट। समझने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब जैसे कोई मोटा और पतला है तो दोनों बेंच पे बैठे हुए हैं राइट, मैं देखो यहाँ पे बताने की भी कोशिश करती हूँ। देखो
यहाँ पे एक बेंच है, बेंच पे एक मोटा इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पतला इंसान बैठा हुआ है। अब मोटा इंसान विल बी मोर पावरफुल देन दिस पतला इंसान, तो ये मोटा वाला क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से और उसे नीचे गिरा देगा और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को पकड़ेगा और डिस्प्लेस कर देगा, राइट। अब इट इज नॉट नेचुरली कि मोटा इंसान जरूरी ना हो कि वो पावरफुल हो, पतला भी पावरफुल हो सकता है, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू द थिंग, राइट। अब देखो बेटा, अब इसमें आता है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक वर्ड तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कैसे मैं ये चीज लिख सकती हूँ। ए बी है प्लस में सी डी है विल गिव राइज टू, मुझे नहीं पता क्या देगा, पर तुम्हें पता है पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव। तो पॉजिटिव पहला पार्ट है ना, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को लेके चले जाएगा, तो क्या बनाएगा बेटा? ए डी प्लस इसका जो पॉजिटिव होगा वो इसके नेगेटिव को लेके चले जाएगा, क्या बनाएगा बेटा? सी बी बना देगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को लेके जाएगा दूसरे के, और दूसरे का पॉजिटिव उसके पहले वाले के नेगेटिव को लेके चले जाएगा। दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। एग्जाम्पल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यू हैव सिंपल वाले एग्जाम्पल में तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि देखो, तुम लोगों ने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, सबने सुना है। प्लस में इसमें मैं क्या कर डालती हूँ? सिल्वर नाइट्रेट ऐड करती हूँ, AgNO3। तो इसका वैलेंसी प्लस वन है, इसका वैलेंसी माइनस वन है, इसका वैलेंसी प्लस वन है, इसकी वैलेंसी माइनस वन है, राइट। अब देखोगे तो बेटा ये देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ पॉजिटिव ऑफ दिस विल गो विद द नेगेटिव ऑफ दिस, तो क्या बना देगा? NaNO3 बना देगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और ये जो Ag पॉजिटिव है इसके Cl के साथ जाके क्या बनाएगा बेटा? AgCl बना देगा, राइट। अब यही रिएक्शन मेरी प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन में भी यूज हो सकती है। देखो ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया ना। अब देखो, अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हारे लिए एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। ये एग्जाम्पल तुम कर लो, AgNaBr प्लस में AgNO3। ये क्या करूं, ये प्रोडक्ट तुम लिख के मुझे बता दो, राइट। अब यहीं पे मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा देती हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ध्यान से देखना। प्रेसिपिटेशन का मतलब तो अब सुन सुन के तुम पागल भी हो रहे होंगे, कई बार आ गया तो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्मेशन इन अ रिएक्शन इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, राइट। अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं यही जो रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें लिखवाई है ना, वही मैंने रिएक्शन लिखनी है। देखो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना, NaCl वाली, ये देखो NaCl, ये जो रिएक्शन मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी ना, यही वाली रिएक्शन से ये दोबारा लिखनी है मुझे। NaCl प्लस AgNO3 इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड विल गेट फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा बेटा? प्रेसिपिटेट बनेगा। कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा? व्हाइट पीपीटी बनेगी। तो ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तुमने ये भी देख लिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्शन तुम्हारे प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन में भी आ गई है, राइट। तो एग्जांपल बता दिया मैंने, ये प्रेसिपिटेट AgCl का बन जाता है।
मैं बस स्पेस थोड़ा सा कम बढ़ रहा है तो बट मेरे पास ना एक रिएक्शन बाकी रह गई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो मैं फटाफट से उसे यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, मेरे पास जो लास्ट पार्ट बचा है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है एंड रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिनमें लॉस ऑफ, सेम सेम जो पूरा सेंटेंस है वही सेम रहेगा, बस मुझे क्या करना है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। एग्जाम्पल मैं लिख के दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, एमजी ने क्या किया, ऑक्सीजन पकड़ा और क्या बना दिया बेटा, एमजीओ बना दिया। मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ, एमजी प्लस ओ टू विल गिव राइज टू एमजीओ, राइट। यही पे तुमने एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना, सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, राइट। यही पे तुमने एक वाटर को ब्रेक डाउन किया होगा जिसमें तुमने ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया ना हाइड्रोजन में से, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब बैलेंस तो बेटा आप आराम से कर सकते हो, राइट। अब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर, या फिर तुम साइमल्टेनियस वर्ड यूज कर सकते हो, टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन का मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता देती हूँ, और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन होगा बेटा मैं तुम्हें जूम सेशन में भी समझा दूंगी अपने, सो दैट कि तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, दैट इज बेसिकली सी यू प्लस एच टू विल गिव राइज टू सी यू प्लस एच टू ओ। अब देखो ध्यान से देखो, कैल्शियम, ये कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन का लूज किया है, बट हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो मतलब यहाँ पे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट। तो मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के दोनों साथ हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को क्या क्या कहा जाता है बेटा, इट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, एंड वॉच द वीडियो एंड योर असाइनमेंट विल बी रीच ऑन सैटरडे और मंडे एट योर होम, राइट। बाय गाइस।